रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव पर दिए कुछ संकेत, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। दरअसल वाड्रा ने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले अमेठी उनकी पहली पसंद होगी। वाड्रा के मुताबिक अमेठी के लोग उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद करते हैं। इतना ही नहीं, वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोगों को यह एहसास हो गया है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को जिताकर गलती की है। ना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। बिहार में पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। वो बुलेट पर बैठकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। अपने नामांकन के बाद पप्पू यादव भावुक भी हो गए। वैसे महागठबंधन से ये सीट आरजेडी के खाते में गई है, जहां से बीमा भारती उम्मीदवार हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों की माने तो पप्पू यादव ने दिल्ली पहुंचकर पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने और अपनी पार्टी के विलय का ऐलान कर दिया था, लेकिन तकनीकी रूप से अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सबकी संपत्ति और सब जिसने पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जनता ने पूरे देश में चुनाव के पहले ही हमें अपने दिल में स्थापित। राजस्थान के उदयपुर में एक प्रत्याशी ऊंट पर बैठकर नामांकन दाखिल करवाने पहुंचा। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र ने अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली। इस दौरान प्रकाश चंद्र ऊंट पर बैठे नजर आए। इसके बाद उन्होंने अपना पर्चा भरा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया। 7 राज्यों में हुए सर्वे में 6 पर जो बाइडेन पीछे चल रहे हैं। सर्वे से पता चला कि कई मतदाता अमेरिका की अर्थव्यवस्था से असंतुष्ट हैं और बाइडेन की क्षमताओं और नौकरियों को लेकर संदेह में हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की रैली रद्द कर दी। इससे पहले इमरान की रिहाई की मांग को लेकर ये रैली शनिवार को होने वाली थी, लेकिन अब पार्टी ने रैली रद्द करने की वजह धार्मिक बताई है। ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका लगा। दरअसल एक सर्वे में अनुमान लगाया गया कि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव में करारी शिकस्त मिल सकती है। मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी की 403 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को महज 155 सीटें जीतने का अनुमान है।